मुझको मिले कोई सोचो मैं छुप छुप के मुझको मिले कोई सोचो मैं छुप छुप के मैं भी खुद में गुम हो जाऊं I tell you मुझको भी लगता है ऐसे It's all about love It's all about love अरे 4000 मिलेंगे लेकिन ये तो पूछ कि तेरे घर शूटिंग में किसकी रखवा रहा हूँ हुमायूं सईद आ रहा है हुमायूं सईद सच्ची वजीफे में लिखा था कि मेरी शादी जिससे होगी ना वो खुद ब खुद मेरे सामने चल कर आएगा और आया कौन हुमायूं सईद मैंने तो सुना है कि तुम्हारे घर पे कोई शूट हो रही है जिसमें हुमायूं सईद आने वाला है अरे किसी ने झूठ बोला है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला नीलू बाजी तेरी कसम तो शद्दी भाई नीलूफर के घर की बजाय वो शूटिंग मेरे घर पर रख ले तो कैसा रहेगा मैं आपको अपना घर फ्री में दूंगी समझ रहे हैं ना आप क्या कह रही है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि अब वो शूटिंग ना मेरे घर होने वाली है और हुमायूं सईद मेरे घर आने वाला है क्या वो शूटिंग तेरे घर हो रही मेरे घर नहीं हो रही हाँ कैसे वो मैं तुझे बाद में समझाऊंगी अभी मैं तुझे एक बात बताऊं मैंने ना रिसाले में पढ़ा था कि हुमायूं सईद को पसंद है तो अभी मैं गई थी सपने लेने के लिए और हाँ एक और बात शूटिंग वालों ने मुझसे कहा है कि गैर जरूरी अफराद का दाखिला ममनू है समझी चल दफाओ अगर ये शद्दी ने हरकत की होगी ना तो कसम खुदा की मैं उसका खून पी जाऊंगी फोन करती हूँ उसको हेलो तुम जरा घर तो आओ मुझे तुमसे बात करनी है बड़े गुस्से में लग रही है खैरियत तो है तुम बस अभी के अभी मेरे घर आ तुमसे बात करनी बहुत जरूरी बात है आया अभी आया मैं पहुंच रहा हूँ ये वाला चाहिए चल ये ले 200 रुपए ठीक है चल भाई सल्लू 200 रुपए तो आया वाह भाई बड़े गाने छाने चल रहे हैं अरे मेरी सोनिया आई है रहने दो तुम मुंह देखे की मोहब्बत ख्यालों में तो किसी और को लेकर ही गाने लगा रहे हो ना अरे सोनिया तुम ही हो मेरे ख्यालों में और कौन हो सकता तुम्हारे अलावा वाह ख्यालों में सोनिया और सीवियों पर अनारकली क्या मतलब तुम्हारा मुझे कट्टो ने सब बता दिया उसी से भुरका लेकर गई थी वो और जब मैंने तुम्हें फोन किया तो अपना फोन बंद रखा नहीं नहीं झूठ बोल रही है कट्टो और अगर अनारकली उससे भुरका लेके गई भी है ना तो अलबत्ता वो मेरे साथ ही गई है अम्मा की कसम अगर मैं झूठ बोलूं तो घर जाकर अपनी छुन्नो फुफो जो मेरी माँ जैसी उनका मरा हुआ मुँह देखूं सच बता अनारकली के साथ कोई चक्कर तो नहीं चल रहा ना अबे नहीं चल रहा मेरा अनारकली के साथ कोई चक्कर यार कोई और बात करना छोड़ना गिले शिकवे अच्छा चल ज्वेलरी लेने आई हूँ अब सीवी तो लेकर नहीं गया कम से कम यही गिफ्ट कर दे हाँ हाँ ठीक है वैसे तुझे पता है 2 दिनों में ज्वेलरी की बहुत सेल हुई है और मेकअप वालों की भी बहुत सेल हुई है अच्छा तो पक्की बात है ना कि तुम्हारा अनारकली के साथ कोई चक्कर नहीं है अबे कौन अनारकली जब तुझ जैसी फूल सी लड़की सामने हो तो अनारकली की क्या औकात हाँ तो फिर तुम्हारे दिल में क्या है मेरे लिए मेरे दिल में तेरे लिए अब बोल आसारी होगी ना दिल की बात करने में तुझे साफ ना आले दिल साफ सुन गया क्या ऐसी कोई बात नहीं है ये भी हमारे इलाके में रहती है तुम भी हमारे इलाके में रहती हो जैसी तुमसे दोस्ती वैसी इससे दोस्ती बस दोस्ती हाँ हाँ बस अब मेरे दिल में दर्द हो रहा है मैं हॉस्पिटल जाऊंगा सीधा बल्कि हॉस्पिटल नहीं मैं तो कार्डिया ही जाऊंगा तुमने जो लेना ले लो तुम ले लो जल्दी जल्दी जो तो ले रहा दिल की दर्द नहीं कि गैस चढ़ गया होगा तुझे काला नमक हाँ थड़की कहीं के मुझे मुझे ये पसंद है हाँ हाँ ये ले ले ये ले ये 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 ले और पैसे अब पैसे दे दिए इन्होंने तू जाना बस जा जा पैसे दे दिए इसने जा तेरे दिल का दर्द तो मैं बाद में ठीक करूंगी पहले इसका दिमाग दुरुस्त करके आती अरे रिवे अबे
बंदा गर्लफ्रेंड जितनी मर्जी बनाए लेकिन अपनी दुकान और घर का एड्रेस किसी को ना दे। ए सोनिया, रुक! पूरे क्यों आती है तू मेरे सुल्तान की दुकान पे? डिस्काउंट देते हैं, तुझे क्या तकलीफ है? तेरे बाप की दुकान है। जिसकी भी दुकान है तू क्यों हार मुल्ले खरीफे के बहाने आ जाती है? आऊंगी मैं तो। और वैसे भी कट्टो के घर हुमायूं सईद की शूट है, अब इतना बड़ा एक्टर आ रहा है तो बंदा कम से कम सही से तो तैयार हो। हुमायूं सईद की शूटिंग, क्या वो वाकई में आ रहा है? नहीं नहीं, तस्वीर भेजेगा। अब शूटिंग है तो खुद ही आएगा ना। अच्छा चल, तू आराम से घर जा। हुमायूं सईद की शूटिंग, अगर उसने मुझे जरा सा भी रिस्पॉन्स दिया मैं इस कमरे से जान को छोड़ दूंगी। बड़ा मूड ऑफ है तेरा, गुस्से में। क्या बात है, बड़ा तपा हुआ फोन किया तूने। तुमने कट्टो के घर शूट क्यों रखवाई? अच्छा तो ये बात है। वो शूटिंग मैंने नहीं रखवाई, ये चक्कर खुद कट्टो का चलाया हुआ है। वो कैसे चला सकती है? वो क्या ड्रामा वालों को जानती है? अरे पागल नीलोफर, ये जो ड्रामा प्रोडक्शन वाले है ना, ये लोकेशन देखने के लिए आए थे। कट्टो ने रास्ते में उनको देख के अपने घर ले गई, उनको लोकेशन पसंद आ गई और वो 2000 से कम में भी काम कर रहे हैं। तो कुछ चक्कर चलाओ ना, 2000 आते हुए मेरे हाथ में तुमको बुरे लगते हैं। अच्छा तो तुझे 2000 की फिक्र हो रही है, हैं? ये ले, तू ऐसा कर, 2000 तू मुझसे यूं ही रख ले और हुमायूं सईद की शूटिंग भी मैं तेरे घर रखवा देता हूँ, यकीन मान। और ऊपर से मैं तुझे रानिया की बहन का रोल भी दिला रहा हूँ। रानिया कौन? अरे रानिया इस सीरियल की हीरोइन है। उस लोकेशन पे तो रामेश का एक सीन है जो रानिया को अपने साथ ले जाएगा, मगर इस लोकेशन पे रानिया की जो बड़ी बहन है वो इन दोनों की शादी नहीं होने देती, इस वजह से रामेश बार बार इस घर में आएगा। हाय, यानी कि हमारी से किस घर में आएगा? हाँ। तो मैं इसके साथ काम करूंगी। हाँ। कसम खाओ, मगर मेरी नहीं खाना। अच्छा चल मैं कसम खाता हूँ, बता किसकी कसम खाऊं? कट्टो की कसम खाऊं? हाँ, तुम ये बोलो कि अगर मैं झूठ बोलूं तो कट्टो को कुछ नहीं। अच्छा चल, मैंने कसम खाई कट्टो, अगर मैं झूठ बोलूं तो कट्टो को कुछ हो जाए, भाई ये सही आएगा तेरे घर। कब शूट इस? अच्छा मैं चाय बना के लेकर आती हूँ। खाली चाय? अच्छा भाई बिस्किट भी लेकर आती। लेके आ, लेके आ। यार जिन लड़कियों को टीवी ड्रामे में आने का कितना शौक है, पागल कर दिया, दिन भर फोन आते हैं यार। कट्टो, ए मेरी प्यारी बहन कट्टो, कैसी है मेरी जान? देख तेरे लिए खीर लाई। शूटिंग देखने आना चाहती है? तुम्हें कैसे पता मैं ये बात कहने वाली थी? क्योंकि ऐसी खीर की प्लेट मैं नीलोफर के घर भी लेके गई थी ना। तो वो तू लेकर गई होगी ना शूटिंग देखने के लिए? मैं तो तेरे प्यार में लेकर आई हूँ, ले खीर खाना। By the way, आ जाओ शूटिंग देखो। आ जाइयो, मगर दो शर्त है। वो क्या जानी? सबसे पहले तो तू जा और मेरे लिए जाकर बालों में शाइनिंग वाला केमिकल लेकर आ। और सेकंड शर्त? सादे कपड़े पहनकर आइयो और कम मेकअप करके। ठीक है। और सुन, मुझे मरून वाली लिपस्टिक भी लाकर देगी, मुझे मैं कपड़े पहन रही ना उसके साथ बड़ी मैचिंग होगी। अच्छा मुझे तू शरीफ बनाकर बुला रही है और खुद तू मेकअप कर रही है? हुमायूं सईद को दिखाना है क्या? हाँ तो भाई, मेरा हक है, मेरा घर है, मेरे घर में शूटिंग हो रही है, चाहूँ तो किसी को भी ना आने दूँ। पता है सुबह से लाइन लगी हुई है औरतों लड़कियों की बाहर शूटिंग देखने के लिए, पर तो तू मेरी दोस्त है तो मैंने तुझे हाँ कह दिया, वरना किसी को भी हामी भी नहीं भरी मैंने। ओह सो नाइस ऑफ यू। अच्छा चल खीर खाना, मैं तेरी चम्मच लेकर आई। तानी कितनी पुरानी खीर लेकर आई है, वही नीलोफर के घर से उठाकर लाई लग रहा है। ओए ये तो प्लेट मेरी है। कल बेशक कट्टो के घर में शूट हो रही है, लेकिन मैं भी कुछ ऐसा करूंगी, बहुत अच्छे से तैयार होकर जाऊंगी कि हुमायूं सईद सिर्फ मुझे ही लेते। लेकिन मैं करूं क्या? कौन से रंग की चुनिया पहनूं, कौन से कपड़े जिससे बहुत ज्यादा खूबसूरत लगूं? चलो
अरे क्या बात है, आज तो दो दो दफा चांद नजर आया, वो भी दिन में। अरे बात बात में करना, पहले मुझे इस कलर की मैचिंग ज्वेलरी निकाल कर दो। अरे बात क्या है, आज तूने इतनी सारी शॉपिंग कर डाली। हाँ वो कल कट्टो के घर जाना है ना। अबे तुझे भी कट्टो के घर जाना है, वहाँ चल क्या रहा है? सुबह से मोहल्ले के कई लोग मेरी दुकान पर आकर बात कर चुके हैं कट्टो के घर में जाने की। मेरे पास तुम्हारे फजूल बातों का जवाब नहीं है, जल्दी से मुझे मैचिंग ज्वेलरी निकाल कर दो। अच्छा बात सुन, तुम मुझसे नाराज है ना सोनिया वाली बात से? कसम से अनारकली, मेरा उसके साथ कोई चक्कर नहीं है, ईमान से। अरे दफा कर, मुझे मैचिंग ज्वेलरी निकाल। अभी तुझे कल ही तो अंगूठी गिफ्ट दी थी मैंने। पैसे ले लेना मुझसे, फिलहाल मैचिंग ज्वेलरी निकाल। ये नहीं वो चाहिए, निकाल। ये नखरे हैं तेरे भी वैसे। शर्ट कैसे जल सकती है? तो मेरी सबसे अच्छी वाली शर्ट थी, मुझे इसके ट्रंक में जलना, मैं क्या करूं? मम्मी मैं क्या करूं? कट्टो का घर यार पता नहीं कहाँ है। कट्टो का घर लगता तो यही है कट्टो का घर। चल दूसरी शर्ट ढूंढनी पड़ेगी। कमबख्त हमारी। कौन आ गया है इस वक्त? जी फरमाइए। कट्टो का घर यही है? हाँ यही है। अब तुम भी हुमायूं सईद की शूटिंग देखने आना चाहते हो? हुमायूं की? हुमायूं सईद की शूटिंग हो रही है क्या यहाँ? हाँ कोई तकलीफ, और अगर आना है तो 500 रुपए का टोकन लेना होगा। मेरा जूता देखा तूने? 500 रुपए देकर शूटिंग देखने आऊं? जा नहीं देखता मैं 500 रुपए में शूटिंग। हाँ तो खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो राशन आपो। आए बड़े, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। वाला मियां, कोई 500 रुपए देकर अदाकारी के चांस मांग रहा है, और किसी को इतना बड़ा अदाकार बना दिया, 500 रुपए देकर लोग उसे देखने जा रहे हैं। इससे तो जरा अभी बात तुमने क्या तमाशा बनाया था? रोज गोली पे गोली पे लगता है। किसका फोन आ गया? हेलो हेलो सदी भाई, मैंने सुना तुम अपने बिस्तर पर मुर्दा हालत में पाए गए हो। अरे कौन मुर्दा बोल रहा है भाई? मुर्दा नहीं बोल रहा, तुम्हारा गिरेबान पकड़ने आ रहा हूँ मैं। तुम्हारी बेटी का देवर सुल्तान बात कर रहा हूँ। अरे सल्लू मियां, कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ। मुझे जरा एक बात तो बताओ, ये हुमायूं सईद की शूटिंग तुमने रखवाई है ना? मैंने रखवाई है, तुम्हें क्या तकलीफ है? मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मेरे पैसे खा के बैठे और मुझे ही पूछ रहे हो मुझे क्या तकलीफ है? अबे सल्लू मियां, इस वक्त तो मैं बिजी हूँ, एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। देख ऐसा करके शाम को मैं तेरे घर आता हूँ ना, फिर देता हूँ मैं तेरे 500 रुपए का हिसाब, ठीक है? 500 रुपए में तुझे हीरो बनाऊंगा मैं। 500 रुपए में बन गया तू हीरो। ए, ये कपड़े पहन के मैं कितनी अच्छी लगूंगी ना सोनिया और अनारकन से। अस्सलाम वालेकुम नीलो बाजी। हाय नीलो बाजी। अरे अभी तुम लोगों को याद कर रही थी और तुम लोग आ गई। सुफैसु नीलो बाजी, गुल्लू भाई ठीक है ना? ए अल्लाह सलामत रखे मेरे शौहर को। मैं समझ रही हूँ क्या कहना चाह रही है तू, हर सफेद कपड़े पहनने वाली बेवानी होती। ओहो नीलो बाजी, आपको शूटिंग का तो पता होगा ना, चल रही है कट्टो के यहाँ। उसने देखी वो मुझे अपने घर? अच्छा चलो अभी हमारे साथ ही चलो ना, ये भी पता चल जाएगा कि कल वो तैयार कैसे हो रही है। और हाँ तुम अपनी सुलह सफाई भी कर लेना। हाँ इसी बहाने वो तुम्हें शूटिंग पे घुसने भी देगी। हाँ ठीक कह रही है,
सही है, तो तू ना 2 मिनट रुक, मैं जरा हटा दूं, फिर चलते। हाँ चल। काली शर्ट और लाल दुपट्टा है तो क्लासिक सा, मगर सारी हीरोइनों ने पहना हुआ है हुमायूं के साथ। मैं तो कुछ वही अम्मा का दुपट्टा। हाँ ये पहनूंगी मैं, बहुत अच्छा लगेगा। अरे अम्मा का दुपट्टा। नौना तक कौन आया? कौन है? अरे कट्टो दरवाजा खोलना, हम हैं। आ जाओ, दरवाजा खुला है। ये अच्छा लगेगा। ये सारी की सारी क्यों आ रही है? छुपा दो इससे पहले कि ये लोग मेरा देख लें कि मैं कल क्या पहनने वाली हूँ। वाह भाई वाह, सारा का सारा लश्कर आ रही है, खैर तो है। ये दोनों कह रही थी कि कल तेरे घर पर शूट है ना, तो इन दोनों के साथ आऊं। आ जाइयो, मगर ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, और बता रही हूँ किसी ने ज्यादा बनने सवरने की भी जरूरत नहीं है। मैं तो बस हुमायूं सईद के साथ एक तस्वीर खिंचवाने के लिए आऊंगी, अगर उसका मेरे पे दिल आ जाए तो प्लीज कोई शिकायत मत कर। अबे ओ पागल वागल हो गई क्या? हुमायूं सईद का दिमाग खिसकेला नहीं है कि उसका दिल तुझ पर आएगा? तू तो सिर्फ तस्वीर खिंचाने आएगी ना, मेरे साथ तो कई सीरियल किए हैं उसने, देखना खुद आएगा मेरे पास तस्वीर खिंचाने, वो भी मिक्स होकर। ये तो कल ही पता चलेगा किसके साथ मिक्स होता है और किसको ज्यादा लिफ्ट करवाएगा। ओ शोखी ज्यादा फैली हो ना, बड़ा घर में घुसने नहीं दूंगी तुझे मैं कल। सॉरी सॉरी मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा छोड़िए, बता कोल्ड ड्रिंक पिएगी? नहीं मुझे नहीं पीनी तेरी कोई कोल्ड ड्रिंक शोल्ड ड्रिंक। अब तुम लोग जाओ भाई, मुझे बहुत काम है, शूटिंग के इंतजाम करने घर में। अच्छा अच्छा हम चलते हैं, मगर कल आएंगे तेरे घर पर शूटिंग पर। तो सोनिया तुझे बता रही हूँ, अगर तूने कल ज्यादा मेकअप किया है, अच्छे कपड़े पहने में, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तो तैयार नहीं होंगी, और वो अनारकली और नीलोफर वो तैयार नहीं होंगी क्या? अबे नीलू की खैर है, वो तो बुड्ढी है, हुमायूं का कौन सा दिल आना है उसके ऊपर, और अनारकली जितना भी तैयार हो जाए लगेगी तुझे चोरी। चल अब तू भी निकल, काम है मुझे। रानी लाइट को भी जाना था, जलस है मुझसे, कल तो पूरे मोहल्ले में मेरी रोशनी छाएगी। आई बड़ी नीलू तो सुमीर को चुमा गए। आए करत बेटे करत आई तोसे मिलाने की आस लगाई, ज्योत जगाए मन में सजन की, जियारा तरसे वेखण को, जियारा तरसे वेखण को। ए फुप्पो इस उम्र में क्या करोगी देखकर? आए हाय सारा सत्यानाश हो तुम्हारा, आया बड़ा अच्छा मूड था मेरा, सारा सत्यानाश मार दिया, मेरे मुंह में नहीं आता। ए पुप्पो अगर तुझे भट्ट साहब की इतनी याद आ रही है तो तू उनके पास क्यों नहीं चली जाती? ए काले मुंह वाले जब भी बोलियो बड़ा ही बोलियो। आए अब तो गोरा हो रही है, देख ले साबुन लगा हुआ मुंह पे, काला नहीं है। अब तो घर में क्या कर रहे हैं? साबुन लगाया है। शद्दी भाई का वेट कर रहा हूँ, बस आने दे जरा, दो हाथ कर रहे हो इनके साथ, क्या तमाशा बनाया ना इन्होंने। हाँ देखूंगी मैं। एक रुत भीते एक रुत आई तो से मिलने की आस लगाई, ज्योति जगाए। अच्छा तो शदी भाई आ रहे हैं।
शद्दी भाई क्यों बोल रहा है? अंकल नहीं बोल सकता है तू? मैं तो जाऊँ अपने कमरे में। क्यों, अब्बा से नहीं मिलोगी तुम? ऐसे बदतमीज आदमी का मुंह कौन लगा भाई? ऐसे समझी से तो बेहतर था कि जुगनू कंवारा ही रहता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अब्बा, कैसे हो? अरे ऐसे बाप से तो बेहतर था तो यतीम हो जाती। हाँ, इंसान का मुंह अच्छा ना हो ना तो बात ही अच्छी कर लेता है। अब क्या हो गया? देखा नहीं अब्बा तुम्हें क्या बोल कर गई है वो? अरे वो तो जो कह रही है, तुम जरा मुझसे बात करो। हाँ बोलो। आज से 2 साल पहले तुमने मुझसे पूरे 500 रुपए लिए थे और कहा था कि सीरियल में रोल दिलाऊंगा। हाँ याद आ गया, 500 रुपए लिए थे। तुझे काम नहीं दिलाया था मैंने? वो काम था, एक ड्राइंग रूम था और एक ड्राइंग रूम में बड़ी सी घोड़े की तस्वीर लगी हुई थी। जब भी उस पर कैमरा जाता था तो मेरे हिन हिनाने की आवाज आती थी, और जो हिन हिनाया था ना वो मैं था। पागल आदमी, पूरी सीरियल में तेरी आवाज गई थी, जब भी कैमरा घोड़े की तस्वीर जाता तेरी आवाज आती थी। ले तू बता देता, देख ये आया मैं, पूरी सीरियल में छाया हुआ था तू। ये रोल था, लोगों को क्या बताता, वो जो हिन हिनाया रहा था वो मैं हूँ। अच्छा बात सुन, अभी हुमायूं भाई के साथ में एक सीरियल कर रहा हूँ, उसमें तुझे बहुत अच्छा सा रोल दिलाऊंगा। हाय अब्बा, हुमायूं सईद आ रहे हैं? कब है अब्बा उसकी शूट? हुमायूं भाई की कल शूट है कट्टो के घर पे। अब्बा मुझे मिलवा दो ना अब्बा। बच्चे मिलवा दूंगा, सुबह 11 बजे हुमायूं भाई लोकेशन पे होंगे, बस खुश हो जा। लो कर लो बात, अब इसके कपड़े भी बदलवा। क्यों री, तुझे भी आज ही का दिन मिला था इतना सोलह सिंगार करने को? आखिर खिंचवाई ली तस्वीर, मैंने कहा था ना कि हुमायूं सईद खुद मेरे साथ तस्वीर खिंचाएगा। शूट हो रहा होगा, वहाँ आया होगा। है कट्टो का शूट हो रहा है, निकल जल्दी आ, देख हुमायूं सईद आए। कमी जल्दी से देख, जल्दी देखो, देख देख, चल आ चल के देख। नहीं भाई, भाई ने देख लिया बहुत मारेगा। हुमायूं सईद तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। हुमायूं सईद इतना अच्छा लगता है, मैं नहीं लगता तुझे? कभी मुझे नहीं कहा कि हुमायूं सईद, इसमें ऐसी क्या खास बात है? अस्सलाम वालेकुम हमायूं भाई, क्या हाल है? हाँ ठीक। कलीम भाई? हाँ कलीम भाई, मैं जानता हूँ। पहचाना नहीं? मैंने पहचान लिया, एयरपोर्ट पर मिले थे। अबे हुमायूं भाई से सब एयरपोर्ट पे मिलते हैं कलीम भाई, टाइम नहीं है अभी जाने दे यार। खाना मेरे घर से खाना है? मैं खा लूंगा तुम्हारे घर पे खाना। शूटिंग का है, शूट। बॉस इधर है, आइए। कट्टो के घर जा रहे थे, उसके घर शूटिंग हो रही है ना, हम भी चले। चल रहे, चल के देखते हैं। फिर वो भाई डांटेगा, डर लग रहा है। एक गाँव में तो दूसरा लगता है, ऐसे बिल्कुल चेंज लग रहा है। सामने खड़ा है ना तो फेस लुकिंग तो अलग ही आती है, मुझे पता नहीं। हाँ चलो। आज बड़ी सवेरे सवेरे तैयार हो रही है तू, मैं नहीं लेके जा रही है कहीं पर, एक पैसा नहीं है पास। तो तुम्हें कौन कह रहा है कि लेके जाओ? तो तैयार क्यों हो रही है? वो ना अनारकली की गली में ना शूटिंग हो रही है, हुमायूं सईद आ रहा है, शूटिंग देखने जा रही हूं। अच्छा, हुमायूं सईद को देखने के लिए इतना बन सवर रही है तू, वो भी परफ्यूम छिड़क के? वो क्या है ना, अगर कपड़ों से खुशबू आती है ना तो लोग समझते हैं कि बहुत अमीर लोग हैं, और हुमायूं सईद है ना उसपे भी तो अच्छा असर पड़ेगा। वो क्या कहते हैं, इम्प्रेशन। मगर इस वक्त तेरा इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ रहा मुझ पे। क्यों भाई, मेरे लिए तो कभी बनी सवरी नहीं तू सुबह सुबह उठकर। आज हुमायूं सईद को दिखाने के लिए 16 सिंगार बल्कि 18 सिंगार। तुम्हारे लिए सुबह पराठे थाप लो या तैयार हो जाओ। आज नाश्ता बनाया तूने? वो जुगनू वो तैयार हो रही थी ना, टाइम नहीं मिला।
एक काम करो ना, तुम बाहर से जाके हलवा पूरी खा लो। अच्छा, मियाँ को नाश्ता भी नहीं बना के दिया और गैर मर्दों को दिखाने के लिए जा रही है। दिखाने के लिए थोड़ी ना, देखने के लिए जा रही हूँ ना। अबे अबे तप नहीं चढ़ा मुझे, अपने मजाजी खुदा को बोल रही गैर मर्दों को दिखाने के लिए। जुगनू, खबरदार जो तूने एक कदम भी घर से बाहर निकाला, अगर मैंने सुन लिया ना तू शूटिंग देखने गई है तो कसम अल्लाह पाक की टांगे तोड़ के रख दूंगा तेरी। मैं बैठ जा घर में। नहीं, क्या घूर रही है? अरे घूर क्या रही है तू मुझे? यहाँ के अमृत पराठा बना के ला मेरे लिए, चल। हमायों सही चल ना। मूड का बेड़ा गर्क कर दिया। जुगनू के सामने नाम ले लिया हमायों सईद का, अब जुगनू का समझता है हमायों सईद को। अच्छा हमायों भाई, आपने यहाँ से पीछे से घूमते हुए आना है और यहाँ पे खड़े होकर अपने डायलॉग्स दे रहे हैं और उसके बाद फ्रेम आउट हो जाना है। चले बॉस करें। टेक करें। ओके गाइस, जल्दी से शाबाश, रेडी, रोल। रोलिंग, एक्शन। हमायों आप आ गए। शादी भाई कौन है ये? ओ बॉस, ये इन्हीं का ही घर है। बेबी आप साइड पे चली जाए प्लीज। यार शादी भाई हटाएं यार, हमारा इधर आ जाए। ओके ओके टेक करें। चलिए ओके, लाइट्स कैमरा क्यू। रोलिंग। तुम यहाँ कैसे आ गए रामिस? मेरा वजीफा खींच के लाया है। मेरे दिल के शीशे में तुम हमेशा दिखाई देती हो, तुम जहाँ भी जाओगी मैं वहीं आ जाऊँ। लेकिन मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ रामिस, तुम एक समंदर हो और मैं अपनी ही आँख से गिरा हुआ एक आंसू। कुछ भी हो, अब दुनिया की कोई ताकत मुझे तुमसे जुदा नहीं कर सकती, मैं तुम्हें हासिल करके छोड़ूंगा। आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन रामिस, शादी करोगे मुझसे? रामिस सोच लो, बेशक मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ लेकिन प्यार तो मैं भी करता हूँ तुमसे। और मैं भी। कौन है शद्दी भाई ये? कट्टो। बीबी आप सर प्लीज थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं। एक रुत बीती एक रुत आई, तेरे मिलन की आस लगाई। भाभी फुप्पो को आजकल व्हाट्सएप को ज्यादा ही नहीं याद आ रहे हैं। अरे फुप्पो, ये बट साहब दिखते कैसे थे? आए बट साहब, आए देखने में बहुत खूबसूरत थे। आए मुझे आजकल का लौंडा नहीं है हुमायूं सईद, बस वैसे ही थे समझो। हुमायूं सईद को उठा दो और बट साहब को बिठा दो। ना फुप्पो ना, ना 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 फुप्पो ना, मैं तो बट साहब को उठाऊंगा और हुमायूं सईद को बिठाऊंगा। भाई हुमायूं सईद के कैलिबर है, भले बट साहब का क्या कैलिबर है। ए दवा, तो घर में क्या कर रहे हैं? दुकान में क्या नहीं जा रहे हैं? मैं तो बट साहब की बातें सुनने बैठ रहे हूँ तेरे। हाँ तुम सुनाती हो तो ये बातें बट साहब की सुनाती हूँ मैं बातें। दे मुझे, दे मुझे। अरे तू क्या खाली मुंह बना रही है? माशाल्लाह से पहले ही बहुत बुरा मुंह है, ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है चट्टो कहीं की। एक्शन। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? हाँ ठीक है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, मगर मुझे अपनाकर इस समाज से इन लोगों से क्या लड़ सकोगे तुम? सामने तो आकर दिखाए। निभाऊंगा क्योंकि मैं रामे सहमत हूँ। और मैं अनारकली। अरे यार ये कौन है भाई? अरे कौन है यार, ये है कौन? सॉरी समझ में नहीं आ रहा, हो क्या? सॉरी मैं लेकर जाती हूँ उसको। चल तू चल। सॉरी बॉस, एक बार और करते हैं हम। ओके बहुत अच्छा किया हमने, एक बार और। ओके एक्शन। क्यूरी
तुझे आज ही का दिन मिला था सोलह सिंगार करने को। देख कट्टो, अगर मैं सोने में तल कर भी आऊँ ना, तब भी तेरे से ज्यादा प्यारी नहीं लग सकती। और वैसे भी तेरे सामने अगर मैं भंगन लगूंगी तो हमायूं क्या सोचेगा, ऐसी टीचर दोस्त है तेरी। तू भंगन लगेगी शहजादी, तू घर जा कपड़े बदल कर और मुंह धोकर आ जा। लो कर लो बात, अब इसके कपड़े भी बदलवा। क्यों री, तुझे भी आज ही का दिन मिला था इतना सोलह सिंगार करने को। मैंने कहा सोलह सिंगार किए, बस हल्का सा मेकअप किया। वाह भाई, इसे तो देखो। कोई किसी को नहीं देख रहा, तुम दोनों ना बस अब जाओ यहाँ से, जाओ तुम लोग यहाँ से निकलो। कट्टो प्लीज मुझे शूटिंग देखने दे, मैं वादा करती हूँ मैं हमायूं को बिल्कुल लिफ्ट नहीं करवाऊंगी। तू लिफ्ट नहीं कराएगी? शक्ल देख रही अपनी, हमायूं सईद को तू नहीं लिफ्ट कराएगी? बड़ा आर्टिस्ट है तो क्या हुआ, है तो मर्द ही ना। वैसे भी खूबसूरत लड़कियों को देख के बड़ा आर्टिस्ट तो क्या, बड़े बड़े की राल टपक पड़ती है। ये खूबसूरत तूने खुद को कहा है? सुनो मेरी बात, कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा है, तुम दोनों बस यहाँ से जाओ, और अगर आना ही है ना तो शादी शुदी बंद कराओ, वरना आने नहीं दूंगी मैं। सुन कट्टो, अगर तूने मुझे ये शूटिंग ना देखने दी तो मैं ऐसा फसाद करूंगी कि ये शूटिंग ही कैंसिल हो जाएगी। और फिर सोच ले हमायूं सईद पे तेरा क्या इंप्रेशन पड़ेगा। और अगर मुझे शूट पे ना आने दिया तो मैं तो सबको बता दूंगी कि शद्दी भाई। मैं मजाक कर रही हूँ। क्या कह रही है? कुछ नहीं कह रही है, कुछ नहीं कह रही। बता। नहीं कुछ नहीं कह रही है, मजाक कर रही हूँ। मैं भी मजाक कर रही हूँ। शूटिंग देखने चलो ना अंदर, तुम लोग दोनों मेरी दोस्त हो यार, तो तुम लोग दोनों कैसे नहीं देखने दूंगी। चलो अंदर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, शूटिंग देख लो, देख लो तुम दोनों। मेरी जिंदगी में बचपन से ही बहुत मुश्किलें देखी, गरीबी, इनका ये हाल है तो ये नीलोफर की बच्ची तो पूरी की पूरी दुल्हन बन कर आएगी। कोई बात नहीं, हाथी फिरे गांव गांव, जिसका हाथी उसके नाम। हुमायूं सईद तो मेरा ही होगा। हर मुश्किलात से मेरा सामना किया है, तो तुम मुझे हमेशा साथ दोगे, मेरे साथ हमेशा रहोगे, जिंदगी के हर अच्छे बुरे वक्त में मेरे साथ रहोगे। तुम्हें मुझ पे यकीन क्यों नहीं आता? मैंने कहा है ना मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा। कट इट, वेरी गुड। सुनिए, मैं आपसे ना आपका नंबर मांग रही थी, कुछ बात करनी है। दरअसल सीन पढ़ने जा, फिर तो शूटिंग शुरू हो जाएगी ना। अच्छा कोई बात नहीं, आप मुझे बता दें कि आप कब फारिग होंगी, मैं तब आपको फोन कर लूंगी। मैं बिल्कुल फारिग नहीं होता, मैं रात को 3:30 बजे घर पहुंचता हूँ, फिर उसके बाद मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कि मैं किससे भी बात करूँ। तो फिर कब बात हो सकती है आपसे? आप लोग अगर इसी तरह डिस्टर्ब करेंगे तो मेरी शूटिंग लेट हो जाएगी, और अगर शूटिंग लेट हो गई तो मैं अगली शूटिंग पे नहीं जा सकूं। प्लीज हम बाद में बात करें, ठीक है? ओके ओके ठीक है, ओके कर ले। तुम लोग यहाँ पे क्या कर रही हो? देखो वो बिजी हैं, अभी नहीं बात कर सकते, उन्होंने बोला है। चलो अंदर, मैं ले जा रही हूँ। ओके चलो 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 अंदर। सब देख रही हूँ मैं, जो तुम लोग हर जगह घुसी चली आ रही हो। खबरदार जब मुझे कोई बाहर नजर आए तुम दोनों में से। हाँ हाँ, वैसे भी हम तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, तुम्हें बेइज्जती जो महसूस होती है, जैसे भी हमायूं ने की। ओए क्या मतलब है तेरा, उन्होंने कोई मेरी बेइज्जती नहीं की है? हाँ वैसे नंबर ना देना भी तो बेइज्जती होती है ना। मैं नंबर नहीं मांग रही थी, मैं तो उनसे पूछ रही थी कि उनके अगले सीन का नंबर कौन सा है, समझी? अच्छा खान साहब, एक लाइट हमारी यहाँ पर होगी, ठीक है, और एक लाइट वहाँ पर होगी हमारी, और ये पीछे से भी हम बैक बनाएंगे यहाँ से, ठीक है? कैरेक्टर हमारे जो होंगे यहाँ पर खड़े होंगे, और यहाँ से मूव करते हुए वो इस तरफ पर आ जाएंगे। भाई ये तो अभी अगला सीन करने लगे मेरे कमरे में, कहीं तस्वीरें ना निकाल दे, मैं जाकर देखती हूँ। तुम दोनों मेरी बात कान खुल के सुनो, यहाँ पर बैठो, तुम लोग बैठो और टिक के बैठना, हिलना नहीं अपनी जगह से। अच्छा
अच्छा गुलदंग यार, ये तस्वीरें तो हटाओ यार, ये डिस्टर्बेंस करेंगी तस्वीरें। ए क्या कर रहे हो तुम? नहीं ये तस्वीरें नहीं हटेंगी इस दीवार पर से। अरे लगता है आप हुमायूं सईद की बहुत बड़ी फैन है। फैन नहीं हूँ मगर अब क्या बताऊँ कि क्या हूँ। अब ये दोनों आ रहे हैं, मैं जाती हूँ, लेकिन ये तस्वीरें नहीं हटाएगा। अच्छा भाई नहीं उतारेंगे। हाँ। ओके आप बेफिक्र हो जाएं, आप जाएं। हाँ। ठीक है ठीक है। अच्छा खान साहब क्या करना है फिर, ये आप समझ गए ये लाइट वाइट जो है ये इस तरफ की? यार ये लाइट ऑन करो यार जल्दी से लाइट। सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं भी एक्ट्रेस हूँ, इसी सीरियल में एक रोल कर रही हूँ। गुड। मेरा एक भाई था बिल्कुल आपके जैसा। ओह क्या मतलब, क्या हो गया उसे? उस बेचारे को पुलिस उठा के ले गई, बेचारा बेकसूर था। ओह तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? घर में उसकी एक भी तस्वीर नहीं है, 6 महीने से नहीं देखा मैंने उसको। तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप क्या मेरे साथ एक फोटो खिंचवा लेंगे? ओके आना एक पिक्चर लेना। मेरा सगा भाई होता तो ऐसे फोटो खिंचाता। चले आप पिक्चर दे दीजिएगा इनको। ओके ओके आखिर खिंचवाई ली तस्वीर। मैंने कहा था ना कि हुमायूं सईद खुद मेरे साथ तस्वीर खिंचाएगा। हटो जल्दी। वाह नीलम बाजी क्या बातें कर रही थी उससे। वो सारी बात ना तो घर चलेगी ना तब मैं बताऊंगी, अभी शूटिंग वूटिंग देखते हैं सही है। और हाँ बात सुन, ये जो है ना ये कट्टो हुमायूं सईद के पीछे पीछे जाएगी, जैसे ही उसके पीछे जाए ना तू कुछ ऐसा कर दियो ना वो बात ही ना कर पाए। मतलब रंग में भंग। हाँ चल शूटिंग देखते हैं। अच्छा हाँ भाई कैसी है मेरी तारा रानी? नाराज लगे है। हाँ भाई लाड भी उसी को दिखावे हैं जो लाड उठावे हैं। मैं कोई लाड नहीं दिखा रही, कमरे में जाओ तुम्हारी ये लौंडी तुम्हारे लिए खाना गरम करके ला देगी। अरे अरे तू लौंडी थोड़ी ना है, तू तो शहजादी है मेरी शहजादी। बस बस ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, कमरे में जाओ चाय लेकर आती हूँ। ये तो ले जा। बॉस ये हम टू शॉट कर रहे हैं और इसमें जो आपकी लाइंस है अपने अपने दिल के दरीचे। मुझे याद है ये लाइन याद है। थैंक यू ले ले। ओके बॉस टेक कर। ओके 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 रोल रोलिंग एक्शन। अपने दिल के दरीचे खोल दो रानी। यार पहले इनका दरीचा तो बंद करवाओ। यार शायद भाई कौन है ये? मैं देखता हूँ। अब जाना शायद देखना यार। अबे कौन? अब बॉस मैं देख रहा हूँ। और कौन है भाई? ओए साइलेंस खामोशी साइलेंस। साइलेंस भी कितना ऊंचा कहा है। मुझको मिले कोई सोचो में छुप छुप के मैं भी हूँ।